ये जो सरकार की जो बिहेवियर रहा है, इनका अप्रोच रहा है, ये बिल्कुल ही क्लूलेस हैं। कोविड के कंट्रोल इनसे निकल चुका है, इनके पास इंसानियत नाम की चीज़ बाकी नहीं रही है। अगर बाकी होती तो इतनी बड़ी गलती के फॉरेन कंट्री से 300 टन का इमरजेंसी कोविड एड दिल्ली एयरपोर्ट पर रुका हुआ है, जिसमें 5,500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, 3,200 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, 1,36,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन है। अरे भाई, आप इसको अगर दिल्ली में दे देते, 5 किलोमीटर है जहां पर अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिलने से डॉक्टर्स मर रहे हैं, पेशेंट्स मर रहे हैं, कर्नाटका में मर रहे हैं, आखिर 5 दिन आपको क्यों लगते हैं? आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए था, आपको पहले से प्लान बनाना चाहिए था कि रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स को फौरन डिस्ट्रीब्यूट करते, डिसबर्स करते, मगर नहीं, लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन से, जिसको भारत में लोगों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की ज़रूरत है, सिलेंडर्स की ज़रूरत है, मगर दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली के बादशाह सो रहे हैं अपने, इनको कोई पता ही नहीं है। कोई बोलता है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, कोई बोलता है कि और मिनिस्ट्री करेंगी। अरे, ये वक्त आपको एक्शन लेने का है। आप तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह दिए कि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर जिम्मेदार होंगे। इतने लोग मर रहे हैं तो जिम्मेदारी किस पर आएगी? कहाँ गया प्रधानमंत्री का वो स्टेटमेंट के अगर किसी गाड़ी के टायर के नीचे एक कुत्ते का बच्चा भी आता है तो हमको तकलीफ होती है? यहाँ तो इंसान मर रहे हैं। शमशान घाट में जगह नहीं है जलाने के लिए, लकड़ी नहीं है, क्रेमेटोरियम जो गैस के हैं वो खराब हो जा रहे हैं, कब्रस्तान की ज़मीनें कम पड़ रही हैं। आखिर क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? क्या ये गवर्नमेंट हरकत में आएगी नहीं आएगी? कब तक प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंस से लेकर पूछते रहेंगे? अरे भाई, जमीन पे देखिए ना, आप जमीन पे नाकाम साबित हो रहे हैं, आपके कोई हरकत नहीं कर रहे हैं, आपकी सरकार दिख ही नहीं रही जमीन पर, आपकी सरकार सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिख रही है, मगर जमीन पर तो कोई सरकार नजर ही नहीं आ रही। इससे हर आदमी परेशान है। कोई दिन नहीं जाता कि लोगों की आहें, उनका रोना, उनकी तकलीफ, कहीं बेड नहीं मिल रहा है, इक्विपमेंट की जरूरत है। अरे किस ये ऐसे वक्त में आप GST क्यों लगा रहे हैं उन लाइफ सेविंग इक्विपमेंट पर? निकालिए GST को, एक 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 टाइम तक निकालिए, और फिर इम्पोर्ट ड्यूटी आप रखे क्यों? इम्पोर्ट ड्यूटी उसको भी निकालिए। अरे भाई, इस जब फॉरेन कंट्रीज एड दे रही हैं, बांग्लादेश दे रहा है, उज्बेकिस्तान दे रहा है, सब दे रहे हैं हमको, तो आपको तो ये काम करना चाहिए था ना। आप दिल्ली में एम्बेसीज हैं, आज एक अफ्रीकन कंट्री का डिप्लोमेट, उसकी मौत हो गई, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाना पड़ा उसको। तो ये देख कर ऐसा लग रहा है कि सरकार बिल्कुल ही इनविजिबल हो चुकी है, कहीं पर नजर नहीं आ रही। रेलवे मंत्रालय को सिर्फ इतना कहना चाहिए कि दिल्ली को कितने ऑक्सीजन की जरूरत थी, आपने कितना दिया पूरे देश में? आप दिल्ली को आप नहीं दे सक रहे और आप बाजा बजा रहे अपना। ये तो कैपिटल है ना देश का, वहीं पर आप आपकी झूठ तो वहीं साबित हो रही है। पॉलिटिकल सवाल, बंगाल में काफी पोस्ट पोल वायलेंस हो रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये इंसान की जिंदगी, उसकी जान एक फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान में। जो कोई सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, उनकी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो इंसान की जान को बचाएं, और अगर वो जान को नहीं बचाते तो वो अपने फंडामेंटल ड्यूटी में नाकाम साबित हो रही हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है। जहां कहीं भी, जिस देश के जिस किसी कोने में अगर कोई सरकार किसी भारत के नागरिक की या किसी भी इंसान की जान को बचाने में नाकाम है, तो हम उसको कंडेम करते हैं। नहीं, मैं लॉकडाउन के खिलाफ हूँ, ये हिमाकत करने की बातें हैं। लॉकडाउन से ये होगा कि या तो गरीब भूख से मर जाएगा या कोविड से मर जाएगा। आपको कंट्रोल करना है, कर्फ्यू आप लगा रहे हैं, बहुत अच्छा है, कर्फ्यू चल रहा है, मगर कंप्लीट लॉकडाउन से फिर क्या होगा? उस गरीब के घर में खाना कौन लाएगा? और आप ये तो एक बहुत बड़ी हिमाकत होगी मेरे बारे में, इस बारे में। और मेरी राय
मैं शुरू से लॉकडाउन के खिलाफ रहा हूँ और आज भी लॉकडाउन के मैं खिलाफ हूँ। सी द थिंग इज दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग वैक्सीन टू द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट फॉर पीपल हु आर इवन अबव 45। देर आर नो वैक्सीन अवेलेबल इन तेलंगाना। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव नॉट इवन ऑर्डर्ड प्रॉपरली फ्रॉम सीरम यू नो दैट ऑर्गेनाइजेशन पुणे और फ्रॉम द अदर वन इन भारत कोवैक्सीन। यू हैव नॉट प्लेस एन ऑर्डर। इट हैज कम आउट इन मीडिया वेरी क्लियरली। मोदी गवर्नमेंट हैज नॉट इवन प्लेस्ड ऑर्डर फॉर इनफ वैक्सीन सो दैट इट कैन बी कंटिन्यूड। एंड दे आर क्लूलेस। आई एम टेलिंग यू दे आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ दिस हाउ टू टैकल दिस कोविड सेकेंड वेव। Unfortunately, this is the consistent behavior of the Modi government, that they are clueless, they lack compassion, they have no direction, they are not in control in how to control this new second wave of COVID. It is not incompetence but lack of compassion on behalf of Modi government that 300 tons of foreign aid, emergency COVID aid, is lying in Delhi airport. Out of that, 5,500 are oxygen concentrators, 3,200 oxygen cylinders, 1,36,000 are remdesivir injection. What is the Modi government doing when they have told the Supreme Court that as far as oxygen supply is concerned, COVID control is concerned, the Prime Minister and the Home Minister are directly responsible? Why does it take 5 days for this foreign aid to be immediately distributed to Delhi? Hardly 5 kilometers is the distance from the airport to Delhi. People in Delhi, hospitals in Delhi, patients in Delhi, doctors in Delhi are dying only because of lack of oxygen. Batra Hospital, 12 people died, including a doctor. What is it that, what will move this government? They are in a complete comatose stage. They just don't know what to react. Empower one minister says that empowered group of ministers look into it. Other says the other ministry will look into it. Whatever it is, just distribute this whole thing to Delhi, to other states which are suffering because of all because of not having all this equipment. And it is because of the Modi government not preparing and deliberately sleeping on their job that we are facing this situation. Now when foreign aid is coming from so many foreign countries, we are thankful to them. You cannot even distribute them immediately. You believe that, sir, that these aid should be immediately either dispatched to state government or directly should land to respective state government, whether it's Bihar, whether it's Uttar Pradesh, whether it's... It is coming to the government of India by the respective foreign countries. So it is the immediately the government of India should disperse it, should distribute it to every other state in India, you know, which are facing this huge challenge of COVID second wave. You know, hospitals, there are no beds, remedies for injection is not there, tocilizumab injection is not available, oxygen is not available, people are crying, people are dying. You know, there are so many images of Shamshan Ghats be not able to even burn those bodies. There is not enough land to bury people in either Khabaristan or in Christian graveyards. What is happening? I mean, this aid has come from various respective foreign countries. You should have immediately had a plan of how to distribute it, how to divide it to respective states. But nothing. You are in a comatose stage. Still, we are witnessing deaths due to lack of oxygen, particularly in government hospitals. Yesterday, we had a similar incident in Karnataka, in part of the country.
hospitals are struggling to get oxygen. We are only seeing statements, promises being made by the government in the Honorable Supreme Court, but on ground, things are not moving. Whatever loud promises, loud statements are being made by the Modi government, it is not being seen on the ground. It is not being implemented in terms of those hospitals getting their oxygen. I mean, if whatever they are claiming that they'll do it, why is it that even now in Delhi as we speak, hospitals are crying for oxygen, people are pleading, hospital management are pleading. Why is it that you are not able to distribute remedies for injection? Why is it that you have put a cap on tocilizumab? Can you imagine for a state of Telangana, you are giving limited numbers and that too a committee will have to scrutinize it. It is a life-saving drug. By the time the committee sits and decides, because you are not giving them this life-saving drug, people are dying. So this is a complete horror show. This is complete incompetence, lack of compassion by the Modi government. I mean, the Prime Minister said that if a puppy comes under a tire of a car, you know, you feel the pain. These are human beings, Mr. Prime Minister, who are dying because of lack of oxygen, who are dying because lack of preparedness, dying because of lack of everything. And the responsibility lies at this government's doorstep. They are not able to move. I mean, what will move them? It is criminal to impose and to insist on continuation of GST on medical equipments which this country requires immediately. Heavens are not going to fall if the GST is removed from all those life-saving equipment and drugs which are need of the hour for our doctors, for our hospitals to save Indian citizens. The Prime Minister and should immediately take a decision, as you have waived little bit, you know, that also import duty should have been waived off immediately on all those equipments, medical equipments. So immediately they should take an action on this.